नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग के सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्न पत्र दो से संबंधित। दोस्तों, प्रश्न पत्र दो के अंतर्गत शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो हमारा इसमें का लेक्चर, आंसर राइटिंग का लेक्चर दोस्तों प्रश्न उत्तर के फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और एक सही टेक्निक मिले कि वहाँ एग्जाम हॉल में हम प्रश्नों को कैसे डील करें। और जो जो सब्जेक्ट है उसे हम बारीकी से भी समझेंगे और उसे हम फेस करेंगे प्रश्न उत्तर के फॉर्म में। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसे आप एक प्रश्न के रूप में समझिए दोस्तों, ठीक है? तो प्रश्न समझिए, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है, ठीक है? अब मेन आंसर राइटिंग में दोस्तों एग्जामिनर हमें प्रश्नों के ही माध्यम से उलझाए रखता है, और जानते तो हम सब कुछ है, परंतु वहां जाके ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न को देखकर पूरा माइंड शून्य हो जाता है। वही नहीं होना है दोस्तों, हमें समझना है कि वो पूछ क्या रहा है और हमें कैसे डील करना है। सीधी सीधी सी बात है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या संसद अपने 300 जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, क्या ऐसा संशोधन कर सकती है जिसके अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट कर सकती है, क्या ऐसा पूछा गया? बस इतनी छोटी सी बात है। और ये आप समझ गए तो यकीन मानिए इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे देंगे। और चूंकि आप समझ भी गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लिखते रहे, उसमें एक शब्दों का क्राइटेरिया भी दिया रहता है, तो हमें अपने आंसरों को उसी शब्दों के अंतर्गत पूरा लिखना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उत्तर फॉर्म में लिखेंगे। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, ठीक है? भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इसे संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। विशिष्ट संशोधनों को राज्य के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता भी है, ठीक है? इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 20 में दिया गया है, राइट? वर्तमान समय में 103 संशोधन किए जा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। संविधान में संशोधन इस प्रकार हो कि वह मूल संरचना का उल्लंघन ना करे। बस यहीं पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है? साफ साफ है कि संविधान में संशोधन इस प्रकार हो कि वह मूल संरचना का उल्लंघन ना करे। अब इतना लिखने के बाद यदि एक दो वाद विवाद का यदि आप उदाहरण दे देते हैं, और चूंकि ये तो कम ही शब्द है, अब शब्द सीमा ज्यादा दी है, तब कैसे लिखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी ढांचा सिद्धांत। तो बुनियादी ढांचा किसे कहा जाता है? मूल संविधान के आदर्शों और दर्शनों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया है। सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान की बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है? इसे बुनियादी ढांचा कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक में बुनियादी ढांचा सिद्धांत, ये लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया था, ठीक है? बुनियादी ढांचा सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है जो न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना द्वारा सबसे विशेष रूप से प्रस्तावित है। भारत के संविधान में
कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। बुनियादी अधिकार संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। याद रखेंगे, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे आदमी का जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया है उसका हनन हो। सीधी सी बात, आगे बढ़ते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचा को स्पष्ट रूप से न्यायपालिका द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। संवैधानिक संशोधनों पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक स्थिति यह है कि संविधान का कोई भी भाग संशोधन योग्य संसद अनुच्छेद 368 की आवश्यकताओं के अनुपालन में संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तित कर सकता है। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। 1964 ईस्वी में न्यायमूर्ति जे आर मुधोलकर द्वारा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उनके सहमति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, 1964 में न्यायमूर्ति जे आर मुधोलकर द्वारा सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य माफ कीजिए राजस्थान राज्य के मामले में उनके सहमति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला क्या था दोस्तों? तो यह मामला था, यह मुकदमा था बोल सकते हैं, 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ था। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ था यह मामला, क्योंकि न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 368 का शीर्षक संविधान का संशोधन है। ठीक है, तो ये वो मामला था जिसमें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आमने सामने थे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या अनुच्छेद 368 के दायरे में एक बुनियादी सुविधा को बदलने या संविधान के एक हिस्से को फिर से लिखने की शक्ति शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1973 ईस्वी में मूल संरचना सिद्धांत को औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना के निर्णायक फैसले में पेश किया गया था, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में था। इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले में न्यायालय ने स्वीकार किया, संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन इनमें संविधान के मूल तत्वों या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने या उनका विनाश करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, ये थी ये बात, ये है अपने केशवानंद भारती जी। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों छोटा सा निष्कर्ष भी लिख देते हैं जिससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे, कहा जा सकता है कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उन्हें संसद को संविधान की मूल भावना या मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब संसद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है परंतु संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसे संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय शून्य कर सकती है, और यदि संसद ऐसा कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को शून्य कर देगी, क्योंकि यह संविधान का संरक्षक भी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक भी है। अतः संसद को अपरिमित शक्ति प्राप्त नहीं है जिसे संविधान के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाए। ठीक है, इतना लिख देंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, और यकीन मानिए आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बोनस ये अपने तरफ से है दोस्तों, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। संविधान का बुनियादी विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है, ऐसे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो संविधान की बुनियादी विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, सरकार की रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक प्रपत्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये होती है दोस्तों संविधान की बुनियादी विशेषताएं। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज का क्लास दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।